अगेन कमिटमेंट. मेरा एक पूरा प्रोसेस इस तरीके से रहा है कि सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग की, तो जाहिर सी बात है फैमिली में आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जिसने प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा जिसका, क्योंकि मेरे अदर जो फीमेल सिबलिंग्स हैं वो सारा प्री मेडिकल बैकग्राउंड था उनका, तो मेरे लिए. और फिर जब आपके गुड ग्रेड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं आपसे कि हर बार आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा. तो एक वो मेरे ख्याल से जिसको हम ये चीज़ को हम फैमिली का प्रेशर कह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप इसको अगर पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें तो ये एक इनकरेजमेंट होता है. तो मुझे मेरी फैमिली से इस लिहाज से इनकरेजमेंट तो बहुत था और हमेशा यही चाहा था कि मैं बड़ा कमीशन दूँ. तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. इसमें मैंने यही किया था जो एक मेरे लिए एक थ्रू आउट द जर्नी एक पॉजिटिव चीज़ रही कि जो कोविड आया था कोविड को मैंने पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया था इस सब प्रोसेस में. तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था क्योंकि हम ऑफिस से भी घरों में थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. तो मैंने ये था कि जो भी मेरा एक टाइम था दिन में रात में जो भी मुझे एक सूटेबल लगता था फैमिली टाइम के बाद, मैं उसमें पढ़ती थी. आप पढ़ें उसके नोट्स बनाएं एक साइड पे रखते जाएं और वो एक वो आपका एक बंडल बनता जाएगा. जब आप उसमें आप एग्ज़ाम के आखिरी दिन में उसको खोलेंगे तो आपके पास पूरा पैकेज मौजूद होगा. ऐसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो मैंने उसके लिए भी ये टेक्निक की थी कि मैंने बहुत सारे A4 पेपर्स ले लिए उनको एक दस्ते की सूरत में. तो मैंने क्या किया, गैप्स छोड़ छोड़ कर जो भी मुझे समझ में आया आउटलाइन में कि मिसाल के तौर पर टॉपिक ये हो तो उसकी आउटलाइंस में इस मैनर्स के साथ ये होना चाहिए. तो फिर मैं उसको काफ़ी बार बैठ के सोच रही होती थी तो मुझे फिर कोई ना कोई एक पॉइंट जहन में आता, तो जो मैंने गैप्स छोड़े होते थे तो मैं उसको उसमें फिल इन कर लेती थी. और उसका जो रेलेवेंट डेटा होता था या जो भी करंट डेटा मिसाल के तौर पर किसी सोशो इकोनॉमिक इशू पे एजुकेशन पे मिसाल के तौर पर कोई मौजूद होता था तो मैं उसको क्या करती थी, उसको लिख लेती थी. अगर यह मिसाल के तौर पर थोड़ा सा डेटा पुराना हो गया तो वहीं से उसको हटा कर डेट्स को डेटा को स्टैट्स को फिर मैं जब एग्ज़ाम करीब आता तो उसको मैं अपडेट कर लेती थी. तो ये चीज़ें थी कि मैंने अपनी नोट्स मेकिंग की जो भी कोविड का टाइम तकरीबन साल तकरीबन 8 महीने साल तो हम लोग तकरीबन तो घरों पे ही थे. तो ये एक चीज़ मेरे लिए एक बड़ी फ्रूटफुल रही कि मैंने अपने इसमें नोट्स मेकिंग भी की. मैंने इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी मैं सुनती रहती थी बट गुड प्लेटफॉर्म्स, हर चीज़ जो है ना सुनने वाली या देखने वाली नहीं होती. तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया और इन सब सिनेरियो में मेरी फैमिली सपोर्ट और मेरे कुछ कलीग्स की सपोर्ट जो है वो एक मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ. फिर ये जो बात होती है ये आपकी चॉइस और सिलेक्शन पर होती है. अगर मैं अपनी बात करूँ, चले मैं आपको अपने जो है वो अपने ऑप्शनल्स बता देती हूँ. मैंने पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक ग्रुप से चूज़ किया था 1 और 2 और US हिस्ट्री और जेंडर स्टडीज़. अगर आप मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड में मेरी जो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग थी उसका भी कहीं से ताल्लुक नहीं था मेरे इन ऑप्शंस के साथ. फिर मेरा फॉरेस्ट्री की फील्ड जो मेरा फर्स्ट कमीशन था सेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका भी कहीं ना कहीं ताल्लुक नहीं था. फिर यहाँ पर आ जाता था मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने कहा कि हर एस्पिरेंट का माइंड वेरी करता है, उसके जो है ना इंटरेस्ट उसका पोटेंशियल वेरी करता है. तो मेरा इंटरेस्ट था जेंडर स्टडीज़ की तरफ या पॉलिटिकल साइंस की तरफ तो था. फिर इसके साथ जाहिर सी बात है आपको सिलेक्ट तो करने होते हैं, तो US हिस्ट्री भी मैंने, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उस वक्त जैसे मैं आपको भी यही एस्पिरेंट्स को एक ही मशवरा दे रही हूँ कि ये ना देखें कि स्कोरिंग ट्रेंड इसका बहुत अच्छा रहा है. आप ये देखें कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, आप किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक्स को जो भी कंटेंट दिए होते हैं आप उसको अंडरस्टैंड करके पेपर पे कैसे उतार सकते हैं. आई एम 100% श्योर कि अगर आपके जहन में ये चीज़ आ गई कि भाई ये सिलेबस से कंटेंट्स हैं इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग है, ये किसी भी एंगल से आ जाए इसको मैं पेपर पर अच्छा लिख सकता हूँ लिख सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो पेपर आपको मार्किंग देगा. क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक आपके पास बज़वर्ड्स होते हैं कि ये पेपर काफ़ी जो है ना ट्रेंडिंग में है, ये पेपर रखना चाहिए, ये पेपर आपको मार्किंग देगा. तो अगेन ये सिचुएशन वेरी करती है थॉट्स के हिसाब से भी, आउटकम्स के हिसाब से भी या माहौल के हिसाब से कभी कभी जो है वो वेरी कर जाती है. लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप उन चीज़ों को देखें, आप उन चीज़ों को सिलेक्ट करें कि जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है. तो मैंने भी यही किया था कि जब मैंने ये सिलेक्ट किए थे ये तीनों सब्जेक्ट्स
तो मैंने उसके कंटेंट्स जो कंटेंट्स थे पहले उसको देखा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको सिलेक्ट तब तक नहीं किया तब तक जब तक मैंने थोड़ा थोड़ा उस सब के बारे में जान नहीं लिया। जब मुझे लगा कि हाँ इस पर मेरी ग्रिप हो सकती है, इसको मैं अच्छे से अटैम्प्ट कर सकती हूँ, देन आई वेंट फॉर देम। तो यही चीज़ है कि आप अपनी कैपेसिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग देखें।